हे गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की इस वीडियो में यहाँ पे कंपेयर करने जा रहा हूँ 4G वर्सेस 5G। जी हाँ जी, आप पर एकदम सही सुना। तो आप सभी को डिटेल में बताऊंगा 4G अच्छा है या 5G। वैसे जाहिर सी बात है, 4 से अच्छा तो 5 होता है गिनती में, ये जैसे पता ही नहीं था बट फिर भी हो सकता है, टेक्नोलॉजी में कुछ भी हो सकता है गाइज। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना, यदि आपको जानना है डिटेल में एक एक चीज बताऊंगा, तो इसलिए वीडियो पूरा देखना। और चैनल पर यदि पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए, वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। तो चलिए बने टाइम बताता हूँ, ये जो मेरा फोन है Realme 10 Pro Plus, इसको पर मैंने वीडियो बना के देख सकते हैं आप। यदि आपको बाय करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और वीडियो की लिंक भी मिल जाएगी आपको Realme 10 Pro Plus की प्लेलिस्ट की। तो यहाँ से मैं लॉक करता हूँ। तो देखिए, इसमें 5G वर्किंग है एकदम। एक बार मैं आपको 5G की स्पीड दिखा देता हूँ लाइव, देखिए। तो देखिए, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके रखी हूँ 5G की स्पीड, देख सकते हो। ऊपर स्पीड देखो यार, एकदम मस्त। देखो आप, देख सकते हैं एक बार X9 लेजेंड, देख सकते कितनी जल्दी डाउनलोड होते जा रहे हैं, देख सकते हैं। और 5G की मदद से मैंने देख कितने सारे गेम डाउनलोड करे, सारी GB से ऊपर के, कुछ को छोड़ के। तो अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। तो चलिए, तो ये रहे देखिए, ये रहे डिफरेंस, ये क्या है, 4G वर्सेस 5G। देख सकते हैं 1 GB स्पीड 4G मिलती थी, पर इसमें 20 मिलती है। इसमें देख सकते हैं मैक्सिमम बैंड यहाँ पे 100 मिलती थी, यहाँ पे 1000। यहाँ पे डाउनलोड स्पीड 10 MB थी और यहाँ पे 100 MB, यहाँ पे मिली सेकेंड्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों की अंतर, देख सकते हैं कितना अंतर है। तो यार बस आज के बेस्ट ना ही यही डिफरेंस था 5G और 4G में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। थैंक्स फॉर